इंसान का माजी कब कैसे और कहां उसके पास पलट कर आता है उसे पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है एक ऐसे रूम से जहां चारों तरफ कुछ बुक के पेजेस बिखरे हुए नजर आ रहे हैं और एक एलिसिया नाम की लड़की वहां पर मिट्टी का तेल छिड़क रही है। वहां एक और लेडी भी मौजूद है जो कि रो रो कर उसकी मिन्नत कर रही है कि ऐसा मत करो, मगर एलिसिया इस लेडी पर भी मिट्टी का तेल छिड़क देती है और फिर एक बुक उठाकर उसमें आग लगाकर इस लेडी को और सारी जगह को आग लगा देती है। सारा रूम और वहां मौजूद हर चीज जलती दिखाई देती है। इसी रूम के अंदर एक कंप्यूटर भी मौजूद है जिस पर हमें एक मैसेज नजर आता है जिसमें लिखा था शी विल बी द वन टू डाई। अब सीन आफ्टर सिक्स ईयर लेटर्स दिखाया जाता है जहाँ कोल्डो, राय, नैंडो, सारा, एंजेला, सेबास, वर्जानिया एंड ईवा को एक कॉलेज में दिखाया जाता है। अब ये सब बुक क्लब की मीटिंग में आते हैं जो कि इनकी सातवीं मीटिंग है। एक्चुअली यहाँ ये लोग नॉवेल्स पढ़कर उस पर डिस्कशन करते हैं और आज की इनकी बुक है किलर क्लाउंस बाय मिरांडा डंकन। और अब ये सब ऊपर डिस्कशन करने लगते हैं जिसके दौरान सेबास और नैंडो में जिद बहस हो जाती है। नैंडो एक्चुअली यहाँ न्यू है और एंजेला नैंडो को यहाँ लेकर आई है, इसलिए सेबास को नैंडो का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अब नैंडो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है और एंजेला भी उठकर उसके पीछे चली जाती है। नैंडो एंजेला से कहता है कि सेबास को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, मगर एंजेला कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। नैंडो कहता है कि ऐसा ही है। वो कहता है कि सेबास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही उसके साथ तुम्हारी दोस्ती, जिस पर एंजेला कहती है कि अब तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या करूं और किससे दोस्ती रखूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां सेबास और एंजेला को दिखाया जाता है जो कि बातें करते हुए साथ चल रहे हैं। इनकी बातों से पता चलता है कि एंजेला एक राइटर है, उसने 6 साल पहले एक बुक लिखी थी और इसके बाद 6 साल से वो कुछ भी नहीं लिख पा रही है। सेबास इससे कहते हैं कि तुम्हें दूसरी बुक भी लिख सकती हो। सेबास उसे ये भी कहता है कि तुमने जो पहली बुक लिखी थी तुम इसका सीरियल क्यों नहीं लिखती, जिस पर वो कहती है कि वो 6 साल पुरानी बुक है, अब तो मैं भूल भी गई हूँ, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि वो बुक मैंने ही लिखी थी। एंजेला सेबास से नैंडो के रवैये के लिए माफी भी मांगती है। फिर सेबास ये कहकर मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी न्यू बुक लिख लोगी वहां से चला जाता है। अब सीन अगेन शिफ्ट होता है जहां एंजेला को एक मेल टाइप करते दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी नई कहानी के लिए प्रोफेसर से हेल्प मांगने का लिख रही है। इसे वो प्रोफेसर क्रोजेंटो को सेंड करने लगती है मगर फिर सेंड नहीं करती। फिर उसकी नजर साथ रखी बुक पर पड़ती है जिसका नाम था क्लियर क्लाउंस। ये वही बुक है जिस पर वो लोग आज क्लब में डिस्कशन कर रहे थे। दरअसल ये बुक कॉलरोफोबिया से रिलेटेड थी कि आप क्लाउंस से इस कदर डर जाएं कि आपको कॉलरोफोबिया हो जाए। और वो कॉलरोफोबिया पर रिसर्च करने लगती है जहां वो एक वीडियो ओपन करती है जिसमें कॉलरोफोबिया का डर दिखाया जा रहा था, जिसे देखकर वो वाकई डर जाती है। अब नेक्स्ट डे क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां प्रोफेसर बताता है कि हॉरर स्टोरीज लिखने वाले राइटर किसी और की कहानी को नया रुख देकर पब्लिश कर देते हैं। बास स्टूडेंट्स तो अपने फेवरेट ऑथर की ही नकल कर रहे होते हैं और इससे ही कहानी चुराना कहते हैं। वो आगे ये भी कहता है कि आप सब यहां राइटर्स बनने आए हो तो फिर इसका तरीका यह है कि आप जिंदगी जियो, कहानियां ना चुराओ, अपनी कहानी को खुद जियो। अब क्लास एंड होने के बाद प्रोफेसर एंजेला से कहता है कि मुझे तुम्हारा मेल मिला, जिस पर एंजेला कहती है कि अच्छा मुझे लगा था कि शायद मैंने मेल सेंड ही नहीं किया। अब प्रोफेसर उसे ऑफिस में चलकर इतनान से बात करने को कहता है। ऑफिस में जाने के बाद प्रोफेसर उससे बात करने लगता है जहां उसे बताता है कि इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उसकी इसकी बीवी के साथ डिवोर्स भी होने वाली है। ये सब बातें करते हुए प्रोफेसर का बिहेवियर काफी अजीब था और वो थोड़ी ही देर के बाद एंजेला से जबरदस्ती करने लगता है क्योंकि उसे तो कोई और ही मेल मिला है, जबकि एंजेला ये सोचकर परेशान है कि इसने तो मेल में ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं सिवाय इसके कि उसे कहानी लिखने में इनकी हेल्प चाहिए। एंजेला प्रोफेसर को किक मारती है और कहती है कि अगर डोर ना खुला तो फिर मैं शोर मचाऊंगी, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि तुमने ही तो मेल में लिखा था। ये कहकर वो डोर खोल देता है और कहता है कि अगर ये सब किसी को पता चला तो मैं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दूंगा। फिर एंजेला वहां से चली जाती है। एंजेला ये बात अपने कुछ दोस्तों को बता देती है लेकिन प्रोफेसर के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं करना चाहती क्योंकि उसे अपने फ्यूचर का डर है। अब इसके बाकी के दोस्तों को भी ये सब कुछ पता चल जाता है और फिर वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम प्रोफेसर को जरूर सबक सिखाएंगे। फिर ये सब मिलकर क्लोन मास्क और कॉस्ट्यूम्स पहनकर प्रोफेसर को डराने के लिए प्रोफेसर के पास जाते हैं। इन्हीं में से एक लड़का प्रोफेसर को मुंह के ऊपर हथौड़ा मारता है और प्रोफेसर डरकर ऊपर भागता है। वहां एंजेला मौजूद है। प्रोफेसर बहुत ज्यादा डरा हुआ और जख्मी हालत में ऊपर आता है जहां वो एंजेला से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। इसी वक्त इसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ देखकर एंजेला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी उसके बाकी के दोस्त भी वहां आते हैं जो उससे पूछते हैं कि तुमने क्या किया। वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, वो जब यहां आए तो उसके मुंह पर खून था और वो मुझसे टकरा कर नीचे गिर गया। वो लोग कहते हैं कि इसमें हम सब शामिल हैं और अब इस बारे में कोई किसी से कोई बात नहीं करेगा, ना ही किसी से कोई जिक्र करेगा। सबको यही लगेगा कि प्रोफेसर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान थे, इस वजह से उसने सुसाइड कर ली। अब इन सबको एक जगह दिखाया जाता है जहां ये सब एक दूसरे से वादा करते हैं कि इस बारे में कोई किसी से कभी बात नहीं करेगा और फिर वहीं पर इन्हें सारे कॉस्ट्यूम्स और मास्क जलाते दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पूरी यूनिवर्सिटी में यही खबर फैली हुई है कि प्रोफेसर ने सुसाइड कर लिया और यही खबर न्यूज पर भी चल रही है, लेकिन एंजेला खुद को प्रोफेसर की मौत का जिम्मेदार समझती है। और फिर सीन क्लास की तरफ आता है जहां एंजेला काफी उदास बैठी है। वहीं से बात आकर उसे कहता है कि सबको यही लगता है कि वो सुसाइड थी, हम बच गए हैं। मैं जानता हूं कि तुम उदास उस बात को लेकर, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, खामोश रहने में ही बेहतरी थी और ना हम सब फंस जाते, जिस पर एंजेला कहती है कि हम अभी भी फंस गए हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने क्या किया और तुम सबने मेरे लिए क्या किया है, जिस पर सेबास कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दोबारा भी ये सब कुछ कर सकता हूँ। इस पर एंजेला बड़ी हैरानगी से उसे देखती है। अब यहीं क्लास में बैठे इन सबको एक क्लब ग्रुप में मैसेज आता है जिस ग्रुप में ये सभी एड है, जिसका टाइटल था द डेथ ऑफ द प्रोफेसर बाय मैट क्लाउन। अब इन सबको एक जगह दिखाया जाता है जहाँ चैप्टर 1 एंजेला पढ़ रही है, जिसमें सबको इनके नामों की बजाय इनकी पहचान से मुखातिब किया हुआ था और बताया गया था कि इन सबने मिलकर प्रोफेसर का कत्ल कर दिया और जो कुछ इन लोगों ने किया इसकी सजा में इन सबको मरना होगा। अब वो सब एक एक कर अपनी जान गवाएंगे। एक चैप्टर एक मौत। यहाँ ये लोग बात करते हैं कि ये सब एक ऑनलाइन नॉवल के वेब पेज पर पोस्ट हुआ है जहाँ से इन्हें ग्रुप में शेयर किया गया। एंजेला कहती है कि अगर वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है तो वो पुलिस को क्यों नहीं बताता, जिस पर ईवा कहती है कि वो हमारे साथ सिर्फ खेल खेल रहा है, उसने हमारे इसलिए नाम नहीं लिखे क्योंकि वो बाकी सबको बताना नहीं चाहता। ये लोग कहते हैं कि प्रोफेसर की मौत का तो सिर्फ हम ही लोगों को पता है और इस पेज के बारे में भी हम सभी को पता है, तो ये सब एक दूसरे पर ही शक करने लगते हैं कि इन्हीं में से कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है। एंजेला कहती है कि हम सब दोस्त हैं, दूसरे को मारना नहीं चाहते, प्लीज अब बस करो। इसके बाद
बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ कुछ दिनों के बाद सेबास एंजेला के पास आता है, बताता है कि चैप्टर 2 आ गया है। एंजेला उसे पढ़ती है जिसमें लिखा था कि क्लब की सबसे छोटी बच्ची की मौत और वो वर्जीनिया थी। चैप्टर में आगे लिखा था कि वो शहर छोड़कर भागना चाहती थी लेकिन उसकी मौत तो तय थी इसलिए वो मारी गई। अब एंजेला और सेबास इस जगह आ जाते हैं जहाँ वर्जीनिया को मारा गया अकॉर्डिंग टू चैप्टर, मगर वहाँ इन्हें कोई लाश नहीं मिलती, मगर वहाँ लिखा हुआ था टू बी कंटिन्यूड। अब ईवा वहाँ आती है और कहती है कि मैं पता कर सकती हूँ कि क्लाउन कौन है। अब इन सबको एक जगह जमा दिखाया जाता है लेकिन वहाँ पर नैंटो मौजूद नहीं है, जिस पर इनमें से कुछ लोगों को उस पर शक भी होता है शायद वही क्लाउन है। अब यहाँ पर ये लोग आपस में बात करते हैं, ईवा कहती है कि क्लाउन जो भी कोई है वो हमारी यूनिवर्सिटी से ही है और वो हम सबको जानता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के वो तमाम लोग जो हॉरर ड्रोनों को पसंद करते हैं हमें उन्हें सोशल मीडिया पर स्टॉक करना चाहिए। अब ईवा लाइब्रेरी की लिस्ट निकाल कर आती है जहाँ वो बताती है कि हॉरर ड्रोनों को पसंद करने वाले हम ही लोग हैं, यानी कि हम क्लब के सारे फ्रेंड्स। यहाँ से बात बिल्कुल साफ है कि वो फिर हम ही में से कोई हो सकता है। एंजेला को मोबाइल पर कोई मैसेज आता है और वो ये कहकर कि मैं कॉफी पीने जा रही हूँ वहाँ से चली जाती है। अब एंजेला लाइब्रेरी वाली साइड पर जाती है और वहाँ जाकर वो मैसेज ओपन करती है जो कि नैंटो का वॉइस नोट था, जिसमें वो कह रहा है कि मैं बिजी था आ नहीं सका और तुम लोग बहुत ज्यादा ही सीरियस हो रहे हो, वो क्लाउन और कोई नहीं बल्कि वर्जीनिया ही है, मुझे कॉल करो। अब एंजेला को क्लाउन का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि तुम कोई बुक ढूंढ रही हो लेकिन ये हॉरर सेक्शन नहीं है, जिसे पढ़कर एंजेला डर सी जाती है और उसे मैसेज करती है कि क्या तुम मुझे देख रहे हो, जिस पर उसका मैसेज आता है हाँ। अब एंजेला को अपने पीछे क्लाउन नजर आता है और वो उसे डर कर भागी रही होती है तो तभी उसकी टक्कर नैंटो से हो जाती है जिसके हाथ से क्लाउन का मास्क गिर जाता है। नैंटो कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये मुझे यहाँ से मिला, मगर वो बहुत ही ज्यादा हैरान कुछ नजरों से खामोशी से नैंटो को देखती है और तभी वहाँ बाकी के सब लोग भी आ जाते हैं और वो नैंटो पर ही शक करने लगते हैं और नैंटो को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। नैंटो बहुत कहता है कि मेरी बात तो सुनो एंजेला, मगर वो कुछ भी नहीं सुनती। फिर नैंटो बहुत अफसरदा वहाँ से चला जाता है। अब सेबास और एंजेला को साथ में दिखाया जाता है। एंजेला कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि नैंटो से क्यों करेगा। अब सेबास एंजेला को इसी क्लाउन का प्रोफाइल दिखाता है जो कि फैन फिक्शन वाले पेज पर इसने पोस्ट किया हुआ है और सिर्फ एंजेला को ही टैग किया। एंजेला बताती है कि मैं इस पेज पर लास्ट टाइम 6 साल पहले गई थी, सेबास कहता है, और यहीं तुमने वो बुक अपलोड की। अब से नैंटो के क्लब आता है जहाँ सैरा कुल्डो और राय को दिखाया जाता है। राय और नैंटो में बहस हो जाती है और राय गुस्से में बाहर आ जाता है और बाहर आकर उसके पीछे हमें क्लाउन दिखाया जाता है। यहीं से अगेन सीन शिफ्ट होता है एंजेला की तरफ जहाँ से चैप्टर 3 रिसीव हुआ है, जिसमें लिखा है कि एक पागल की मौत जो कि और कोई नहीं बल्कि राय है। इन फिर से राय की तरफ आता है जो क्लाउन को देख लेता है और उसे कहता है कि जरा अपना मास्क उतारो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना। ये कहकर राय क्लाउन को पंच मारकर उसका मास्क उतार देता है और कहता है कि अबे ये तू है, और तभी फौरन क्लाउन उसके पेट पर वार करता है, उसके पेट से खून बहने लगता है और फिर वहीं वो मर जाता है। अब अकॉर्डिंग टू चैप्टर 3 जहाँ राय की लाश होनी चाहिए थी, सैरा और सेबास और एंजेला उसी जगह पहुंच जाते हैं मगर वहां भी उन्हें कोई लाश नहीं मिलती, सिर्फ यही लिखा मिलता है टू बी कंटिन्यूड। अब सीन शिफ्ट होता है और सेबास और एंजेला को साथ दिखाया जाता है। एंजेला सेबास को बताता है कि मैंने क्लाउन के सारे सोशल मीडिया अकाउंट को सर्च किया और मुझे वहाँ सिर्फ एक ही फॉलोवर्स मिली जो 6 साल पहले उसके साथ कनेक्टेड थे, इसका नाम एलिसिया है। डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि वो एक राइटर है लेकिन उसने पिछले 6 साल से कुछ भी पब्लिश नहीं किया। एंजेला सेबास को बताती है कि मेरे नॉवल की हीरो वही लड़की है, द गर्ल फ्रॉम कैरियन। मुझे एलिसिया इसी पेज पर मिली थी, वो मुझे अपनी दोस्त मानती थी, उसने मुझे बताया कि वो अपनी माँ के साथ किसी गाँव में रहती थी, इसकी माँ लिटरेचर के लिए पागल थी, वो जबरदस्ती उसे पढ़ने और लिखने के लिए कहती थी और जब वो ऐसा नहीं करती तो उसे खूब मारती थी। किसी हॉरर कहानी से काम नहीं था और मुझे राइटर बनना था लेकिन मेरे पास कोई कहानी नहीं थी और एलिसिया की कहानी बहुत अच्छी थी, तो मैंने कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए और किताब बहुत ज्यादा चली। इससे पहले कि मैं एलिसिया को कुछ समझाती, इससे पहले ही उसको पता चल गया और उसने मुझे कहा कि वो एक दिन ऐसी कहानी लिखेगी कि मुझे उसके दर्द से कई ज्यादा दर्द होगा। सेबास कहता है कि इसका मतलब एलिसिया ही क्लाउन है। एंजेला कहती है कि नहीं, एलिसिया तो मर चुकी है। फिर वो उसे लैपटॉप में दिखाती है कि एलिसिया ने अपनी माँ को जलाकर मार दिया और फिर वो खुद भी जलकर मर गई और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं ही सबकी जिम्मेदार हूँ। सेबास एंजेला को तसल्ली देता है और उसे ये भी बताता है कि वो उसे बहुत मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ नैंटो को दिखाया जाता है जिसके पीछे क्लाउन पड़ा है उसे मारने के लिए, लेकिन नैंटो क्लाउन के ऊपर अटैक कर देता है और उसका मास्क उतारने की कोशिश करता है, मगर तभी क्लाउन नैंटो पर अटैक कर देता है और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। अब एंजेला को दिखाया जाता है जिसे चैप्टर 4 रिसीव हुआ है। सीन अगेन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल में नैंटो को दिखाया जाता है। वहीं उसके पास एंजेला आकर उसे बताती है कि मुझे चैप्टर 4 रिसीव हुआ जिसमें लिखा था कि तुम जमीन पर मरे हुए पड़े हो, जिस पर उसको नैंटो बताता है कि नहीं, मैं सिर्फ बेहोश हुआ था लेकिन शायद मेरा मरना ही बेहतर होता, कम से कम तुम्हें यकीन तो आ जाता कि मैं क्लाउन नहीं हूँ। एंजेला कहती है कि नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एंजेला उसे बताती है कि मेरी वजह से एक लड़की की मौत हुई और इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब एंजेला हॉस्पिटल से निकलने लगती है और तभी वो देखती है कि कॉल्डो ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो बताता है कि क्लाउन की तरफ से एक मैसेज आया है कि वो अपने नॉवल को मुकम्मल पब्लिश करेगा और वो चाहता है कि सब लोग वहाँ पर क्लाउन का कॉस्ट्यूम पहनकर आए। अब ये सब बुक फेयर में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एंजेला को क्लाउन का वीडियो मैसेज आता है जो कि वीडियो लाइव है, जिसमें क्लाउन मुस्तकिल पर नजर रखे हुए है। अब ये सब क्लाउन को ढूंढने लगते हैं और सैरा एक लड़की को क्लाउन समझकर उसके साथ काफी बदतमीजी करती है, जिसके वजह से सिक्योरिटी वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। फोन से बचते हुए भागती हुई एक जगह पर चली जाती है लेकिन तभी वहाँ पर क्लाउन आ जाता है और सैरा की ये लाइव वीडियो एंजेला के साथ वो शेयर करता है। एंजेला सैरा को ढूंढने लगती है और आखिरकार सैरा उसको मिल जाती है लेकिन वो डोर की दूसरी तरफ होती है। अब एंजेला की आंखों के सामने क्लाउन सैरा को मार देते हैं और एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती। अब एंजेला डरी और रोती हुई फिर से सबके बीच में आ जाती है और सेबास और नैंटो का आवाज देने लगती है। तभी वो देखती है कि सामने से कोई क्लाउन का कॉस्ट्यूम पहने आ रहा है और वो आकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर सेबास, नैंटो और ईवा भी आ जाते हैं। जब सेबास उसका मास्क उतार कर देखता है तो उसकी गर्दन कटी हुई है और खून बह रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि कोल्डो है, जिनकी आंखों के सामने मर जाता है। अभी लोग देखते हैं कि ईवा के हाथ में हथौड़ी है, जिस पर ये कहती है कि मैंने नहीं किया, मुझे क्लाउन से मिली है। इसके बाद एंजेला बेहोश हो जाती है और ईवा वहाँ से भाग जाती है क्योंकि सब लोग उसे ही क्लाउन समझ रहे थे। अब होश में आने के बाद नैंटो एंजेला को क्लाउन का भेजा हुआ वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें उसने सेबास को बांध कर रखा हुआ है। नैंटो से कहता है कि ईवा ही है, मगर एंजेला कहती है कि मैं अब और किसी को भी नहीं मरने दूंगी, मुझे वहाँ जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ चली जाती है, मगर वहाँ जाकर एंजेला ईवा को खून में लथपथ आखिरी सांसें लेते
हुए देखते हैं जो एंजेला से सिर्फ इतना ही कहती है कि मैंने नहीं किया, वो सब क्लाउन ने किया है, कहकर वो मर जाती है। एंजेला हाथ में हथौड़ी लिए आगे बढ़ती है, वो सेबास को बंधा हुआ देखती है। सेबास उसे देखकर कहता है कि खोलो मुझे, अच्छा हुआ तुम आ गए, इतने में वहाँ नैंडो भी आ जाता है। सेबास कहता है कि यही है क्लाउन, जबकि नैंडो से कहता है कि नहीं ये पागल है क्लाउन, ये है मैं नहीं। सेबास कहता है कि नहीं मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना। ये सुनकर नैंडो बहुत अफसरदा हो जाता है और तभी सेबास उठकर एंजेला से वो हथौड़ी छीनकर नैंडो के ऊपर वार करता है और नैंडो गिरकर बेहोश हो जाता है। अब सेबास एंजेला को बताता है कि हाँ मैं ही क्लाउन हूँ, बताता है कि सब कुछ एक प्लान के तहत हुआ, सब कुछ प्लान के तहत किया गया, वो प्रोफेसर को मेल मैंने भेजा था और फिर प्रोफेसर की मौत और बाकी सबकी मौत भी वो सब कुछ एक प्लान था। और एलिसिया मेरी गर्लफ्रेंड थी और तुमने उसे मजबूर किया सुसाइड करने के लिए, उसे मजबूर किया उसकी मॉम को मारने के लिए, इसलिए ये कहानी मैं लिख रहा हूँ। वो ये सब कुछ एंजेला को बता ही रहा होता है तो एंजेला अपना पेन निकालकर सेबास के मुंह में घुसाकर वहाँ से भागने लगती है और तभी वहाँ क्लाउन का ड्रेस पहने वर्जीनिया आ जाती है और वो बताती है कि वर्जीनिया तो सिर्फ एक हमारा बनाया हुआ करेक्टर है, मैं एलिसिया हूँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। एंजेला कहती है कि तुम तो मर गई थी। तभी वहाँ सेबास भी आ जाता है और आकर बताता है कि सॉरी ये तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि ये कहानी मैं और एलिसिया लिख रहे हैं। और वो दोनों से कहानी का एंड बताते हैं कि तुम्हें कोलरोफोबिया हो गया और तुमने उन सब अपने दोस्तों को मार दिया जिन्होंने प्रोफेसर की मौत छुपाने के लिए तुम्हारा साथ दिया, मगर मैं बच गया, इसने इस कहानी को लिखा और फिर हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। एंजेला पीछे से नैंडो को आता देख लेती है, फिर इन्हें बातों में उलझाने लगती है और तभी पीछे से नैंडो आकर सेबास पर वार करता है और वो उसी जगह नीचे जाकर गिर जाता है और मर जाता है जहाँ प्रोफेसर मरा था। अब एलिसिया नैंडो पर वार करती है और नैंडो वहीं घायल हो जाता है। एंजेला वहां से भागकर नीचे बेसमेंट में आ जाती है और एलिसिया भी उसे मारने के लिए वहां आती है, मगर बहुत ही समझदारी के साथ एंजेला वहां तेल वाला पाइप नीचे गिराकर शॉर्ट सर्किट के जरिए वहां आग लगा देती है और एलिसिया बुरी तरह जलकर मर जाती है। फिर एंजेला कहती है कि कहानी अब खत्म। अब वहां एम्बुलेंस आती है, नैंडो बच जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब एक साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां क्लास में सब लोग नॉवल पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्लास से बाहर आकर नैंडो एंजेला को बताती है कि मैं इस बार बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं, जिस पर नैंडो कहता है कि हां क्योंकि तुम्हारी अपनी कहानी है द यूनिवर्सिटी क्राइम। अब मूवी की लास्ट में क्लाउन का कॉस्ट्यूम पहने हथौड़ी हाथ में लिए एलिसिया को एंजेला की तरफ बढ़ते दिखाया जाता है और एंजेला की चीख के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।